नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड या प्लॉट खरीदते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी के लैंड्स के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है कि नहीं। और डॉक्यूमेंट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 7/12। अब ये 7/12 मराठी में इसको 7/12 उतारा बोलते हैं, या हिंदी में आप इसको 7/12 एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आइए देखते हैं ये 7/12 क्या होता है। 7/12 एक प्रकार गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में पूरा प्रॉपर्टी का, लैंड का सब डिटेल रहता है। अभी जैसे कि महाराष्ट्र में क्या, हर एक जिले में एक भूमि रजिस्टर बना हुआ है, जिसमें उस भूमि की या फिर जमीन की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें 7/12 भी उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस जो आपको भूमि के बारे में या जमीन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। अभी इसमें 12 नंबर क्या है, 12 नंबर एक कृषि गुणों की जानकारी देता है, मतलब फसल कौन सा है, उसका क्रॉप्स कितना है, क्या है वो। और 7 नंबर क्या है, 7 नंबर मतलब आपका ओनर जो भी है उसका डिटेल्स, उसका रिकॉर्ड, उसका कब्जा, उसका विवरण, उसका नेम डिटेल्स, उसके साथ अगर किराएदार है तो उसके किराएदार की जानकारी, उसका ओनरशिप, ये सब जानकारी 7 में होती है। और एक गांव नमूना 12 जैसे फसल का होता है। ये 7/12 उतारा वास्तविक रूप में एकदम निर्णायक दस्तावेज नहीं है, लेकिन ज़मीन की जानकारी के लिए या फिर हस्तांतरण करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है। अभी 7/12 ज़मीन का एक टाइप का एक मिरर बोल सकते हैं आप इसको, एक टाइप का दर्पण है, जो एक अंश में आप पढ़ेंगे तो पूरा ज़मीन का आपको जानकारी आ जाएगी कि भूमि का नाम किसका है, उसका एरिया कितना है, वो क्या कितने उसमें अगर किराएदार है तो वो कितने हैं, या फिर उसमें फसल होती है वो कैसे है, वो ज़मीन किस टाइप के, वो सब होता है। अभी महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम 1971 के तहत एक कृषि भूमि अधिकारों के बारे में भी विभिन्न रिकॉर्ड रखे गए हैं। इसमें मालिकाना हक, कृषि भूमि के अधिकार, फसल के अधिकार, सब अलग अलग के अधिकार उसमें शामिल है। इस 7/12 उतारा क्या दिखाता है, 7/12 उतारा हर एक जमींदार जो है उसका कौन सा मालिक कौन है, उसका पर्सनल निरीक्षण क्या है, उसमें गांव नंबर में कौन सी भूमि है, क्या है उसका ओनरशिप कौन है, उसका पूरा डिटेल, तालुका, जिला, सर्वे नंबर, गट नंबर, या फिर उसका पूरा नाम, ये सब उसमें दिखाता है। और आमतौर से ये हर 10 साल में ये लोग रिवाइज करते हैं या फिर रिन्यू करते हैं। तो अगर आपको उसको 7/12 चेक करना है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वेब पोर्टल पर जा करके। अभी गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन होने की वजह से उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। 7/12 एक भूमि का मालिक का भी पूरा या फिर किसका हस्तांतरण पूरा इतिहास दिखाता है, वो ज़मीन पहले किसके पास थी, अब किसके पास है, वो पूरा डिटेल, उसने कब किससे खरीदी, क्या है, वो सब डिटेल उसमें पाई जाती है। इस 7/12 का मेनली आपको हार्ड कॉपी वगैरह से मिलना है तो तहसीलदार के ऑफिस में जाएंगे, तो तलाटी के ऑफिस में जाएंगे तो आपको मिल सकता है। अभी ये नया गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन करने की वजह से ये वेब पोर्टल भी अवेलेबल है, जैसे महाराष्ट्र भूमि अभिलेख करके वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल पे जाके भी आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन जानकारी है, इसको आपको पूरा डिटेल इसमें मिल जाती है। 7/12 एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, पूरा ज़मीन का हिस्ट्री पूरा दिखा देता है। इसके साथ ही आपको भूमि खरीदना है, परचेस करना है, या फिर सेल करना है, बेचना है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखेंगे 7/12 जो भी उतारा है उसके क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले आपको ये ज़मीन जो लेने जा रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क वगैरह है कि नहीं उसके बारे में पता चलता है, या फिर दूसरा है ज़मीन के बारे में हस्तांतरित हो जाते हैं उसमें कानूनी दस्तावेज के रूप में दर्ज किया जाता है। उसके बाद है यदि आप संपत्ति के किसी बैंक से उन्होंने अगर ऋण लिया है वो ज़मीन के ऊपर, तो उसका भी डिटेल उस पर मेंशन किया रहता है। और ये इसमें कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं है ना, विवादों में कानूनी इसमें तो नहीं है ना, ये भी पता चलता है। उसके साथ ही ये अगर बंटवारा हुआ है ज़मीन का, कुछ कर्जा बाकी है, तो वो सब जानकारी उसमें 7/12 में मेंशन की रहती है। अभी ये 7/12 उतारा ऑनलाइन हम लोग कैसे चेक करते हैं इसके बारे में देखेंगे। महाभूलेख एक महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र भूमि अभिलेख करके एक वेब पोर्टल है, उसको महाभूलेख बोला जाता है। महाभूलेख महाराष्ट्र
ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी एक पोर्टल है जो मेनली जब भी लैंड रिलेटेड डाटा जो भी है उसका पूरा कंप्यूटराइज करता है, और सब लोग मतलब जिनको अपना डॉक्यूमेंट चेक करना है वो वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं। इसमें उनको हर बार वो अपना लैंड डिपार्टमेंट ऑफिस या फिर इधर जाने की जरूरत नहीं है, वो आप वेबसाइट पे वेब पोर्टल पे अपना पूरा डाटा वगैरह लैंड रिलेटेड डाटा चेक कर सकते हैं। इसे कैसा है, डिजिटलाइजेशन हो गया मेनली डॉक्यूमेंट्स का पूरा, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इस वेबसाइट वेब पोर्टल पे पूरा कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स तैयार हो गया जो कि सब लोग वो वेब पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। ये पूरा महाभौलिक वेब पोर्टल है, पूरा लैंड से रिलेटेड डाटा जैसे कि 7/12 हो, उसका प्लॉट का स्टेटस, उसके राइट्स रिकॉर्ड्स या फिर जो भी कुछ और डिटेल्स है वो सब मेंटेन करता है। इसमें मेनली लैंड का डाटा, उसके बाद ही वो लैंड के रिलेटेड जो भी रहेगा वो सब वो पोर्टल पे इजीली आप देख सकते हैं। और ये वेब पोर्टल आपको 7/12 का उतारा उस पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उस पे आपको वो प्लॉट का या लैंड का एरिया दिख सकता है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर या फिर नेम ऑफ लैंड होल्डर, वो जो भी है लैंड रिकॉर्ड वो सब डिटेल देख सकते हैं। अभी ये हम लोग वेब पोर्टल पे कैसे चेक करना है ये देखेंगे। अभी सबसे पहले वो अपना ये वेबसाइट ओपन करना है, https mahabhumi.gov.in। ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ये पेज ओपन होता है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद इसमें दिख रहा है, देखिए महाराष्ट्र का मैप है और ये महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन दिए हैं, अमरावती, औरंगाबाद, उसके बाद कोल्हापुर, पुणे, ऐसे टोटल 6 प्लेसेस है। इधर देख सकते हैं अभी पुणे है, नासिक है, इसके बाद ये औरंगाबाद है, अकोला है, नागपुर है, मुंबई, ये सारे पूरे 6 जिले हैं, 6 विभाग है। ये 6 विभाग में हम लोग महाराष्ट्र का पूरा ये डाटा रहता है। सेकंड पेज है, हम लोगों को ये ओपन करने के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, उसके बाद कौन सा तालुका है इधर तालुका डालना है, फिर इसमें कौन सा विलेज है विलेज का नाम भी डालना है, और इधर नीचे आपको दिया हुआ है सर्वे नंबर, गट नंबर, या फिर अगर उसका नाम है तो फिर उसका खुद का पहला नाम, बीच एसेंड, बाद में मिडल नेम, इसके बाद सर नेम, या फिर पूरा नाम लिखना है। ये टोटल हमको नाम, सर नेम, पूरा नाम, ये सब लिखना है, या फिर प्लॉट नंबर या फिर सर्वे नंबर जो भी अवेलेबल है वो लिखना है। और उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना है। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आने के बाद में आपको वो ओटीपी उधर मोबाइल में डालने के बाद में आपको 7/12 का उतारा जो भी है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। अभी ये 7/12 का जो उतारा है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं मराठी में इसको, उतारा बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट जो भी है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, मेनली सर्वे नंबर, लैंड का सर्वे नंबर रहता है, वो एरिया रहता है, वो कितना एरिया है, उसमें कितना कल्टीवेशन के लिए है, या फिर उसमें कौन कौन से क्रॉप्स लिख सकते हैं, क्रॉप्स का डिटेल्स भी रहता है। इसके बाद ओनरशिप ने चेंज किया है, अगर किसी पुराना ओनर अलग है, नया ओनर अलग है, तो वो चेंज हुआ तो वो दिखता है। उसमें म्यूचुएशन नंबर दिखता है, उसमें लैंड टाइप ऑफ लैंड कौन सा, एग्रीकल्चर है कि नॉन एग्रीकल्चर है वो दिखता है, उसमें टाइप ऑफ इरीगेशन है वो कौन सा टाइप का इरीगेशन है या फिर रेन फेड है वो दिखता है। इसके बाद कुछ अगर कर्जा लिया हुआ है तो पेंडिंग कर्जा वो दिखता हुआ है वो उस पे डॉक्यूमेंट पे, और जैसे सीड्स के लिए भी, या फिर पेस्टिसाइजर या फिर अलग फर्टिलाइजर के लिए, खेती के लिए कुछ कर्जा लिया वो भी दिखता है। इसके बाद में कौन कौन से क्रॉप्स प्लांटेड है वो लास्ट कल्टिवेटिंग सीजन में, उसका डिटेल रहता है। उसके बाद पेंडिंग लिटिगेशन अगर कुछ है वो दिखता है, और फिर डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड या अनपेड, गवर्नमेंट में जो भी टैक्स दिया है या
नहीं दिया है, इसके हिसाब से ये पूरा इन्फॉर्मेशन ये 7/12 में रहता है। ये एक बार ओपो आप डाउनलोड करेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए और मेरा चैनल देखते रहिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।